भर की खबरों के साथ आइए देखते हैं एक नजर खास खबर उल्लेख न्यूज के साथ। हरिद्वार में वरिष्ठ समाज सेवी व भाजपा नेत्री रंजीता झा ने कहा कि देवनगर रामधाम सहित अन्य कॉलोनियों में बरसाती सीजन के पूर्व चलाए गए सफाई अभियान के संदर्भ में बरसों से नालियों में जमा सैकड़ों टन कूड़ा करकट लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। नाले का गंदा पानी सड़कों के साथ साथ लोगों के घरों में जमा हो रहा था। ऐसे में शिवालिक नगर पालिका अध्यक्ष राजीव शर्मा के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें वर्षों से नाले में जमे कूड़े को बाहर निकाला कर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराया गया है। इस कार्य को कराने की जिम्मेदारी उन्होंने ली है और सफाई के साथ साथ लोगों को नाले में कूड़ा नहीं डालने की अपील की है। स्थानीय लोगों ने भी उनकी अपील पर सार्थक पहल करते हुए भविष्य में किसी प्रकार की गंदगी नहीं करने का आश्वासन दिया है। देवनगर की छोटी मोटी समस्याएं जैसे रोड, पानी, बिजली, बरसात में होने वाले छोटे मोटे जल भराव से लगातार जूझते आई हूँ और काफ़ी हद तक सफलता भी मिल जाती है। अभी जो ये मुख्य नाला का काम चल रहा है जो कि ग्रामीण क्षेत्र के से के बीचों बीच गुजरती है, इसमें रामधाम, कृपाल नगर, देवनगर सभी का जल निकास होता है। इसमें जल निकासी के साथ साथ लोगों के द्वारा जो डाले गए कूड़े हैं वो काफ़ी मात्रा में एकत्रित हो चुके हैं। पिछले 15-20 सालों से धीरे धीरे कूड़ा एकत्र होते होते काफ़ी बड़ी मात्रा में कूड़ा का अंबार लग चुका है, जिसे कि खाली करना बहुत ही असंभव कार्य है। मगर पिछले 2 सालों से नगर पालिका के गठन के बाद श्री राजीव शर्मा द्वारा, जो कि अभी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है और काफ़ी हद तक सफलता भी पाई है कि बरसात से पहले इन मलबों को खाली कर दिया जाए ताकि बरसात में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो और इससे जो गंदी पानी रोड पे और नालियों में बहती है और उनसे उत्पन्न होने वाली बीमारियों से जो समस्या उत्पन्न होती है उससे लोगों को राहत मिले। इस बार चूँकि मैं बीजेपी कार्यकर्ता और टीम राजीव शर्मा से जुड़ी हुई हूँ तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस मुख्य नाले का पूर्ण रूप से सारा मलबा निकाल दी जाए और पूरी तरह सफाई हो और जो भी इससे जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याएं हैं वो भी उनका भी समाधान हो जाए, ताकि जो जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है उससे लोगों को निजात मिले। और इस कार्य में राजीव शर्मा जी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, उनका मैं बहुत आभारी हूँ और सारे कृपाल नगर, देवनगर वाले और रामधाम वाले उनका शुक्रगुजार हैं, जो कि उन्होंने इन समस्याओं को समझा और उनसे छुटकारा दिलाने की कोशिश की। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हम लोग अध्यक्ष जी या हम कार्यकर्ता जो भी हैं वो तो सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे मेन रोल जो है इनका, जो सराहनीय योगदान है, वो उन सफाई कर्मचारियों का है जो कि उस गंदे नाले में घुस करके गंदे